उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी में रविवार सुबह ग्लेशियर फट गया। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई है। इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है, तो वहीं चमोली नदी के किनारे की बस्तियों को पुलिस लाउड स्पीकर से अलर्ट कर रही है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे में बसे लोग मकान खाली करने में जुटे हैं। ऋषि गंगा और तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने के बाद बांध क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे नदियों में बाढ़ आ गई। तपोवन बैरेज पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। श्रीनगर में प्रशासन ने नदी किनारे बस्तियों में रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थानों में जाने की अपील की है, तो वहीं नदी में काम कर रहे मजदूरों को भी हटाया जा रहा है।